नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के बारे में, जो कि एक सरकारी योजना है। यहां दोस्तों, कोरोना अलर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एवं उनके सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को उनके खाते में 3 किस्त की राशि भेजी जाएगी। इनके कुछ नियम एवं शर्त भी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि राशि भेजी जा रही है और अगली राशि किस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया है, बहुत सहयोग किया है। आप लोगों के बदौलत मेरी चैनल को एक नई ऊंचाई मिली है, नया अरमान मिला है। इसके लिए मैं आप सभी मित्रों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत आप किस प्रकार से आपको गैस मिलेगा या इनका पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो आपको कार्ड मिला हुआ है और आपने जिस एजेंसी से गैस कनेक्शन लिया हुआ है, उस समय आपको वहाँ पर अकाउंट नंबर भी लिया गया होगा और अकाउंट को लिंक किया गया होगा उज्ज्वला गैस योजना में। तो उसी अकाउंट में आपको सरकार 800 रुपये की दर से यह राशि भेजेगी। 800 रुपये की राशि बहुत महिलाओं के खातों में भेजी भी जा रही है और यह सिर्फ, मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि यह महिलाओं के खाते में ही यह राशि जाएगी। बहुत सारे महिलाओं के अकाउंट में 800 रुपये की दर से गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है और ऐसा देखा भी गया, यह सही है। गवर्नमेंट जो कही है उसका यह लाभ भी दे रही है। महिलाओं के खाते में यह 800 रुपया आया है और 800 रुपया तो आया, लेकिन अगला 800 और फिर उनके बाद 800 कैसे आएगा, उन्हीं के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी तरह चर्चा करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। फ्रेंड्स, यदि सरकार आपके अकाउंट में उज्ज्वला योजना के तहत 800 रुपये की राशि भेजी है और आपको यह राशि प्राप्त हो चुका है, तो आप किस प्रकार से गैस ले सकते हैं, ऐसा कमेंट के जरिए मुझसे पूछा गया। तो मैं आज उसी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग भी जान सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह बात है कि यदि आपको उज्ज्वला गैस योजना के तहत राशि अकाउंट में आ गई है तो आप किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एजेंसी पर जाएं, या ऑनलाइन बुकिंग करते हैं गैस की तो ऑनलाइन बुकिंग करें, या जाकर डायरेक्ट आप एजेंसी पर गैस लेते हैं तो डायरेक्ट जाएं। जैसे ही आपके कंज्यूमर नंबर से गैस बुक करेगी तो गवर्नमेंट को यह जानकारी प्राप्त होगी और उनके बाद आपको दूसरे और तीसरे किस्त के लिए अलाउ करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में यदि 800 रुपये भेज दिया गया है और आप यदि गैस नहीं ले तो अगले 2 माह का पैसा भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। यदि आप गैस का उठाव नहीं करते हैं एजेंसी के द्वारा तो आपको अगले 2 माह का गैस नहीं मिलेगा। मतलब 2 माह का गैस नहीं मिलने का मतलब है 2 माह का आपको राशि नहीं मिलेगी या आपको घाटा लगेगा, जो कि नहीं लगना चाहिए। आप सही इस्तेमाल करें गैस ले उस पैसा का और एजेंसी को बताएं कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा 800 रुपये प्राप्त हुआ है, तो वह आगे के लिए भी आपको अलाउ कर देगी और आगे भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि इन पर जो भी राशि भेजी जा रही है लाभुकों के, उनको गैस का उठाव करना होगा, अन्यथा उनको अगले किस्त की राशि उनके अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर यही बेटर है कि आप अपने जो राशि गवर्नमेंट के द्वारा मिला है उनका सही उपयोग करें और अगले राशि लेने के लिए भी आप तैयार रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ क्लियर है कि आपको अगली राशि तभी मिलेगा जब आप इनको गैस ले लेते हैं, उनके बाद ही आपको अगली राशि मिलने वाली है। कुछ लोगों ने कमेंट में हमसे यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो 800 रुपये भेजे जाते हैं वह कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी एग्जैक्टली जानकारी नहीं है और गवर्नमेंट के द्वारा यह सीरियली राशि भेजी जा रही है। इसमें कोई भी ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पैरवी की ज़रूरत है। आपको यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खुद वहाँ से भेजी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनके डाटा गवर्नमेंट
के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और राशि भेजने का कार्य शुरू हो चुका है और बहुत सारे व्यक्तियों ने मुझे कमेंट के जरिए बताया है कि 800 रुपये उनके अकाउंट में आ चुके हैं। तो यह खुशी की बात है कि आपके अकाउंट में 800 रुपये आ रहे हैं, तो आप इसका सही उपयोग करें, गलत उपयोग ना करें, क्योंकि सही उपयोग करने पर आपको अगली दो किस्त का राशि मिलेगी। अगर आप गैस का उठाव नहीं करते हैं तो अगले दो किस्त की राशि भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा यह अपडेट था। और फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।